हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टू के आर स्मार्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पहला प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? इसका ऑप्शन है ए नंबर 1953, बी नंबर 1853, सी नंबर 1895, डी नंबर 1858। इस प्रश्न का सही आंसर है ए नंबर 1953। दूसरा प्रश्न है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका ऑप्शन है ए नंबर 1950, बी नंबर 1898, सी नंबर 1955, डी नंबर 1960। इसका आंसर है ए नंबर 1950। प्रश्न नंबर तीसरा, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? इनका ऑप्शन है ए राजधानी एक्सप्रेस, बी शताब्दी एक्सप्रेस, सी विवेक एक्सप्रेस, डी समझौता एक्सप्रेस। इसका सही आंसर है सी विवेक एक्सप्रेस। प्रश्न नंबर फोर, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? ए शताब्दी एक्सप्रेस, बी विवेक एक्सप्रेस, सी थार एक्सप्रेस, डी लाइफ लाइन एक्सप्रेस। इस प्रश्न का सही आंसर है ए शताब्दी एक्सप्रेस। प्रश्न नंबर फाइव, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? इस प्रश्न का ऑप्शन है ए जॉर्ज ऑरवेल, बी अब्दुल गफार खान, सी जॉर्ज स्टीफेंसन, डी एनिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी जॉर्ज स्टीफेंसन।